खबर है मिर्जापुर से। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई मौत। जी हाँ, विंध्याचल के अटल चौक पर और अमरावती चौराहा सुबह लगभग 8:30 बजे विंध्याचल क्षेत्र नच नियावीर निवासी लल्लू सोनकर उम्र लगभग 55 वर्ष पिता स्वर्गीय भुरई सोनकर अपने घर से अटल चौक से कुछ ही दूरी पर एक कारपेट कंपनी में कार्यरत थे। सुबह 8:30 बजे वह घर से नाश्ता करके दोपहर का भोजन टिफिन साथ लेकर कारपेट कंपनी की तरफ निकले, तभी प्रयागराज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन कुचलते हुए मिर्जापुर की तरफ निकल गई, जिसकी लल्लू सोनकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन की पहचान नहीं हो सकी, पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। मृतक लल्लू सोनकर की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद जब डेड बॉडी मृतक के घर पहुंची तो परिजनों ने कोहराम मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि सुबह लगभग 8:30 बजे घटना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अज्ञात वाहन को पकड़ा नहीं जा सका, जिसे लेकर परिजनों में आक्रोश था। परिजन सुप्रसिद्ध अटल चौक पर डेड बॉडी को सड़क पर रख कर जाम लगा दिया। जाम की जानकारी प्राप्त होते ही जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार जाम को खत्म कर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हेतु ले गए। मौके पर एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी सीओ सिटी सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार थाना विंध्याचल भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। थाना विंध्याचल अंतर्गत जो है एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और जो है तत्काल प्रभाव से उसमें दिन विधिक कार्रवाई करते हुए उनके तहरीर उनके परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कर ली गई थी। और ये अभी पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे अमरावती चौराहे पर जाम लगाए थे, उनकी कुछ डिमांड थी जो है उसके लिए संबंध में उनका ये था कि जो वाहन है और चूँकि अज्ञात अभी है वाहन और उनके अज्ञात वाहन को आइडेंटिफाई करना करने की डिमांड है और कुछ और अन्य डिमांड थी, तो उसके संबंध में लगातार जांच प्रचलित है, विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। जल्द ही जो वाहन है उसको पकड़ लिया जाएगा और जो चालक है उसको भी पकड़ लिया जाएगा और जो भी उनकी चीज़ें थी वो बता दी गई है। सर कितने समय तक जाम लगी गई? ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर तक जाम था और अभी जाम खुल गया है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई।